दोस्तों, अगर आपको याद होगा तो 2018 के एंड तक रेडमी का जो डोमिनेंस था इंडियन मार्केट में वो बहुत ही ज़्यादा था। रेडमी जो थी वो अपने स्पेसिफिकेशन के कारण इंडियन मार्केट में काफ़ी ज़्यादा पकड़ बना चुकी थी। बट दोस्तों, 2019 में ये जो सिनेरियो है वो कुछ बदल सा गया और यहाँ पर रियलमी ने, जो कि एकदम नई स्मार्टफोन कंपनी थी, उसने रेडमी को हैंड टू हैंड टक्कर दिया और अपने बहुत ही बेहतरीन स्मार्टफोन को लॉन्च करा, जिससे कि दोस्तों रेडमी का बहुत ज़्यादा जो शेयर था वो रियलमी ने ले लिया है। बट दोस्तों, इस जो सिनेरियो है इसमें हम एक ऐसी कंपनी को भूल गए हैं जो कि दोस्तों बहुत ही अच्छी काम कर रही है और इंडियन मार्केट में अपने बहुत ही बेहतरीन स्मार्टफोन को लॉन्च कर रही है, वो भी रेडमी और रियलमी से कम प्राइसिंग में। दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ इन्फिनिक्स की, जो कि दोस्तों इंडियन मार्केट में काफ़ी ज़्यादा अच्छी काम कर रही है। वो चाहे 4GB रैम की बात हो या फिर पंच होल कैमरे की बात हो, ये दोनों ही कैटेगरी आपको 10,000 रुपये के प्राइसिंग के अंडर ही देखने को मिल जाएंगे। और अगर हम बात करें रेडमी और रियलमी की, तो अभी तक कोई भी ऐसा स्मार्टफोन रेडमी और रियलमी की तरफ से नहीं आया है जिसमें कि हमें पंच होल कैमरे के साथ प्राइसिंग 10,000 रुपीज़ के अंडर देखने को मिले। बट दोस्तों, इन्फिनिक्स का लास्ट स्मार्टफोन इन्फिनिक्स S5 जो कि 10,000 के प्राइसिंग के अंडर में ही आपको पंच होल कैमरे के साथ देखने को मिल जाता है। एंड उसके साथ ही दोस्तों, इन्फिनिक्स 2020 में बहुत ही बड़ा धमाका करने वाला है, क्योंकि दोस्तों इन्फिनिक्स का एक ऐसा स्मार्टफोन आने वाला है जो कि आपको 10,000 रुपये के अंडर ही पॉपअप कैमरे के साथ देखने को मिलने वाला है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इसी स्मार्टफोन के कंफर्म स्पेसिफिकेशन के बारे में। एंड हाँ, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको इस वीडियो देखने के बाद किसी और वीडियो को देखने की जरूरत नहीं होगी। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं इस स्मार्टफोन की डिस्प्ले से, जो कि दोस्तों काफ़ी अमेजिंग होने वाला है, क्योंकि यहाँ पर आपको 10,000 रुपीज़ के अंडर ही फुल व्यू डिस्प्ले देखने को मिलने वाला है, जो कि दोस्तों बहुत ही बेहतरीन होने वाला है। तो सबसे पहले बात करते हैं इस स्मार्टफोन की डिस्प्ले से, तो यहाँ पर आपको 6.6 इंच का एक फुल HD प्लस का डिस्प्ले देखने को मिलने वाला है, जो कि आने वाला है फुल व्यू डिस्प्ले के साथ। एंड उसके साथ ही यहाँ पर आपको पॉपअप सेल्फी कैमरा देखने को मिलने वाला है, वो भी 10,000 रुपये के अंडर ही, जो कि दोस्तों एक बहुत ही बेहतरीन बात है। एंड उसके साथ ही अगर बात करें दोस्तों स्मार्टफोन की सेल्फी कैमरे की, तो लीक्स के अकॉर्डिंग दोस्तों इस स्मार्टफोन में आपको 32 मेगापिक्सल्स का एक पॉपअप सेल्फी कैमरा देखने को मिलेगा। उसके साथ ही अगर बात करें दोस्तों स्मार्टफोन की रियर साइड की कैमरास के बारे में, तो दोस्तों स्मार्टफोन के रियर साइड में आपको 48 मेगापिक्सल्स का क्वाड रियर कैमरे का सेटअप देखने को मिलने वाला है, जो कि आने वाला प्राइमरी 48 मेगापिक्सल्स के कैमरे के साथ। एंड उसके साथ ही यहां पर आपको 8 मेगापिक्सल्स का एक अल्ट्रा वाइड एंगल लेंस, 2 मेगापिक्सल्स का एक डेप्थ सेंसर और 2 मेगापिक्सल्स का एक माइक्रो लेंस देखने को मिलने वाला है इस स्मार्टफोन में। अब बात आती है दोस्तों स्मार्टफोन की प्रोसेसर को लेकर, कि क्या प्रोसेसर में आपको कुछ बेहतरीन देखने को मिलेगा या नहीं। तो यहाँ पर आपको स्नैपड्रैगन के 665 का प्रोसेसर देखने को मिलने वाला है, जो कि एक बहुत ही पावरफुल प्रोसेसर है और हमें अभी प्रीवियस स्मार्टफोन Mi A3 में ऑलरेडी देखने को मिल चुका है। तो दोस्तों परफॉर्मेंस के मामले में आपको कोई भी शिकायत नहीं रहने वाली है। एंड उसके साथ ही अगर बात करें दोस्तों स्मार्टफोन की बैक डिज़ाइन की, तो यहाँ पर आपको बैक साइड में एक प्लास्टिक बॉडी का डिज़ाइन देखने को मिल जाएगा, जो कि आपको ग्लॉसी फिनिशिंग के साथ आने वाला है। अब बात आती है दोस्तों यहाँ पर आपको इस स्मार्टफोन की बैटरी को लेकर, तो यहाँ पर आपको इस स्मार्टफोन की बैटरी भी काफ़ी बेहतरीन देखने को मिल जाएगी। यहाँ पर आपको 4000 mAh की एक पावरफुल बैटरी देखने को मिल जाएगी, जो कि आपको 10W के फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करती है। अब फाइनली बात करते हैं दोस्तों स्मार्टफोन की प्राइसिंग और रिलीज डेट के बारे में, तो यहाँ पर आपको इस स्मार्टफोन की बेस वेरिएंट की प्राइसिंग यानी 4GB रैम 64GB के साथ 9,999 रुपये के करीबन देखने को मिल जाएगा। एंड उसके साथ ही अगर बात करें दोस्तों स्मार्टफोन की रिलीज डेट के बारे में, तो दोस्तों स्मार्टफोन को एक महीने के अंदर ही यानी आपको फरवरी के महीने में इंडिया में देखने को मिल जाएगा। तो दोस्तों अगर आप भी चाहते हैं एक बहुत ही बेहतरीन स्मार्टफोन परचेज करने की, जिसमें कि आपको बहुत ही बेहतरीन फुल व्यू डिस्प्ले के साथ एक पॉपअप सेल्फी कैमरा हो, तो आप इस स्मार्टफोन का वेट कर सकते हैं, क्योंकि दोस्तों मुझे नहीं लगता कि इस साल तक इस स्मार्टफोन को कोई भी वेट कर सकता है जो कि आपको 10,000 के अंदर एक पॉपअप कैमरा प्रोवाइड करे। तो दोस्तों यही थी स्मार्टफोन के बारे में कुछ कंफर्म स्पेसिफिकेशन। तो आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और इन्फिनिक्स के बारे में और भी जानने के लिए, इसके स्मार्टफोन के बारे में और भी जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक कीप स्माइल एंड हैव अ ग्रेट डे।